कल ना कोको मुझसे पिटा है ना, शाम को कल बदतमीजी कर रहा था, पिटाई हुई है, तो अब मुझसे ना बात नहीं कर रहा, आ नहीं रहा मेरे पास। कोको आदि मामा, आदि मेरे कोको, आदि बाबा, आदि मामा, सॉरी बेटा, सॉरी मेरे बेटू, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं रहा मेरे पास, ये देखो छुड़वा रहा है, ये छुन छुन नहीं है, लड़का है ना, लड़के लखेरे ही होते हैं। चैनल सुबह का दिन है, बेबी मेरा तैयार है, कहीं जा रहा है अपनी मीटिंग के लिए, बस निकल ही रहा है और मैं अपने जिम के लिए तैयार हूँ। थोड़ा बहुत जिम करूंगी और उसके बाद की कहानी आगे की शुरू होगी। मैं देख रही हूँ कि ना चेरी ना अब सुनती नहीं है। चेरी चेरी देखो, चेरी चेरू चेरा, एक सेकंड अभी पता चल जाएगा, नहीं पता लगता है उसको। बॉल बोलो, बॉल चेरू चेरू बॉल बोलू चेरी बॉल, ये भी बिल्कुल गया इसका, सुन मैं नहीं सुन रहा उसको, सच्ची नहीं बॉल पे भी नहीं बोल रही हूं। चेरू बोलू बोलू चेरी बॉल नहीं सुनती बेबी, इसका कान बिल्कुल गया, मतलब आई थिंक विद एज ना उसको नहीं अब सुनाई देता, पहले ऊंचा सुन रही थी मैंने ये नोटिस किया था, लेकिन अभी एज के साथ नहीं सुनाई देता। इसीलिए तो मैं ऐसा करते हुए बुलाती हूं इस आराम। चेरू बॉल बोलू बोलू तो ऐसा है, चेरू बोलू बोलू उसको खेलने का मूड नहीं है। बोलू बोलू मेरा पापा, मेरे बाबा को छूना बंद हो गया क्या? पहले ऊंचा सुन रही थी बेबी, अभी बिल्कुल नहीं सुन रही। कल रात को बैठ के मैंने इसके बाल भी काटे हैं, ये देखो आगे से, ताकि इसकी आंखें दिखे। वैसे सब ठीक है लेकिन भाई एज तो अपना काम कर रही है। चाय बना रही है, हाँ पी लूंगी थोड़ा सा, थोड़ी देना। तो अविनाश तो अभी निकल रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना और उसके बाद निकल जाएगा। तुम कितनी देर में वापस आओगे बेबी? फिर मेरी तीन मीटिंग बैक टू बैक है, 10:30, 12:30, 2:00। ओह माय गॉड, शाम को राइटिंग। ओह माय गॉड, तो नो टाइम फॉर बीवी, कोई बात नहीं, आदत है भाई इस चीज की, तो कोई बात नहीं। ये निकला अविनाश और ये निकली मैं, दोनों अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने रास्ते अलग हो गए हमारे आज के लिए, अभी के लिए। ये देखो मैंने नया जिम बैग भी लिया है, ये देखो इसमें ना सेक्शन अच्छे अच्छे हैं, जूते का सेक्शन अलग है, बाकी चीजों के सेक्शन अलग है। ये आपको करना था ना? आप ही ने बोला, चलो कैसा लगा? एक्सप्रेशन से पता चल गया, चलो लेट्स गो। तो जी मेरा वर्कआउट खत्म हो गया, वर्कआउट करके अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। मैं आपको बता दूँ जितना अच्छा वर्कआउट मैं करना चाह रही थी शायद उतना अच्छा हुआ नहीं, मतलब करा है लेकिन मैं कार्डियो और भी ज्यादा करना चाह रही थी, लेकिन कार्डियो के लिए मशीन्स खाली नहीं थी बाद में, हाँ ये हुआ, इसीलिए मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। ज्यादा करना चाह रही थी, कम हुए वर्कआउट, मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स और कर सकती थी मैं, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलती हूँ आपको दोस्त। कुछ चेंज वेंज करके तैयार मैं हो चुकी हूँ, अभी अविनाश तो आया नहीं है घर पे, अविनाश आएगा और एक घंटे तक उसकी मीटिंग खत्म होगी, वो कह रहा था मेरी दो मीटिंग खत्म होगी, ये तीसरी अभी होने वाली है शुरू, तो वो हो जाएगी खत्म तो वो आएगा घर पे, तो वो घर पे आएगा तब तक मैं आई थिंक निकल जाऊंगी। ये देख लो ये क्या हो रहा है, मेरी ना डॉक्टर की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट और उसके लिए मुझे बांद्रा जाना है, तो मैं वो काम खत्म करके आऊंगी। मेरे पैर का कलेश तो आपको पता ही है, तो उसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये वाली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है जो मैं खत्म करके आऊंगी। चेंज वेंज कर दिया मैंने, मिलती हूँ। बुरी नहीं लग रही, मैं अच्छी लग रही हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, शर्मा के देखो, क्या हंस रही है तो मेरे को देख के? मैं तो हंसा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं। तू देख रही थी मेरे को, ये इधर देखना क्या हो रहा है। अच्छा कल ना कोको मुझसे पिटा है ना, शाम को कल बदतमीजी कर रहा था, पिटाई हुई है, तो अब मुझसे ना बात नहीं कर रहा, आ नहीं रहा मेरे पास, उसके साथ खेल रहा है। तूने देखा मिता मेरे पास नहीं आ रहा, फड़फड़ा रहा है, देखना अब आपको दिखाती हूँ। कोको अरे बाबा, अरे मेरे कोको, अरे बाबा, अरे मामा, सॉरी बेटा, सॉरी मेरे बेटू, आजा मेरा बेटा, तो वो बहुत प्यारा कोको है, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं रहा मेरे पास, ये देखो छुड़वा रहा है अपने आपको, पिटाई होगी तुम मम्मा जी, पिटाई हुई थी थोड़ी सी। अमिता देख ले क्या कर रहा है, नहीं आ रहा मेरे पास, जाना क्यों नहीं जा रहा है, प्यार से बुला रही है कोको। कोको फिर आप बदतमीजी करते तो पिटाई पिटाई तो होगी ना, थोड़ी सी थोड़ी बहुत तो पिटाई होगी ना आपकी। देख कितना वो है, किसको याद है कि मेरे को मारा था और मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। ओए लफंगे, पूछी लाल है, पूछी लाल है क्या गुड्डू, देखना मुझे प्यार नहीं, देखो नहीं आने नहीं दे रहा, देखो ये देखो
ये छुन छुन नहीं है या कैंडी लड़का है ना, लड़के लखेरे ही होते हैं, ये लखेरा ही है। जा खेल, तू आ जा मम्मा के पास, तू मम्मा के पास आ जा। ये देखो जी कल से आया हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, आज इसको अनबॉक्स करेंगे। भैया आएगा ना तब करूंगी, तो रख दो इसको अंदर। तो जी दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, अपनी चार मीटिंग खत्म करके 10 बजे का निकला था, अभी पहुंचा हूँ 3:30। अब मेरे आते ही संभावना कहीं जा रही है, अब वो आएगी रात को, चुनचा के पापा को पारी करने। तो मैं निकल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को बांद्रा जाना है, तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है पैर के लिए, वो मेरे पैर के प्रॉब्लम के लिए, वो अपॉइंटमेंट खत्म करके फिर वापस आऊंगी, कॉफी घर से लेके जा रही हूँ, फिर आके आज अनबॉक्स करेंगे मिलके। अनबॉक्स करेंगे क्या? अनबॉक्स करेंगे मेरा एरर करेंगे मिलके। तो मेरे को ये बताओ, इनको नीचे फिर ले जाओगे तुम खिलाने के लिए? मैं नहीं ले जा पाऊंगा, इन चारों को सकती हो, फिर मम्मा आपको आने के बाद लेके जाएगी। देखो इसने पता नहीं क्या चाट लिया है कि जीभ निकाले जा रहा है। तो तुमको तो अभी बज रहे हैं 4, तुमको तो आते आते 8 बज जाएंगे, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वहाँ और 1.5 घंटा आने में, आते ट्रैफिक डबल होगा। तो जी मैं निकल रही हूँ, पता नहीं कहाँ को जा रही हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ उस जगह पे, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितना नहीं लगेगा, तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी कॉफी बना के लेके जा रही हूँ। You have to buy this foam cushion. I'll send you the link. You have to practice bringing your toes up and stand, okay, as relaxed as possible. And once then, you get comfortable, then you're going to do front kicks. Then you're going to do 1 foot ahead. Both the sides आपको करना है. एक बार left foot को आगे रखे करो, एक बार right foot. You're going to write alphabets. So write A with your toe, B, C. तो एक्चुअली मैं जहाँ पे आई हुई हूँ ना, वहाँ मेरे को टैक्सी भी नहीं मिल रही है, बहुत देर से मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन सब टैक्सी वाले कैंसिल कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कोने में खड़ी हूँ। अभी अविनाश बुक करने की कोशिश कर रहा है, और मैं ना घर से बहुत दूर हूँ एक्चुअली, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत दूर हूँ यहाँ से कम मेरे को 1 घंटा लगेगा घर पहुँचने में, और ऑलरेडी 7:30-8 तो हो रहे हैं, और अविनाश को इतनी चिंता हो रही थी ना क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क भी नहीं है। अब मैं साइड में करा यहाँ पे बैठ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ के मैंने ले लिया एक वड़ा पाव, और वड़ा पाव खाऊंगी जब तक कोई टैक्सी वैक्सीन ही होती। मैं कहाँ पे, इधर कहीं हूँ, कोने में बैठी हूँ। मुझे संभावना गई हुई थी कहीं, अब वो आ रही है, मैं घर पे चिल कर रहा था, उसने बोला बच्चों को लेके नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे आ गया हूँ, हालांकि वो खुद अभी तक नहीं पहुँची है। इनका रोना शुरू हो गया कि नीचे तो हमको लेके आया तो, लेकिन मम्मी का पागल बना रहा है। इधर कैसे रो रहे हो? अरे 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 आ रही है भाई, आ रही है। इतने चालू हैं कि इनको पता है कि अगर नीचे आए तो मम्मी तो होगी होगी, जबकि इनको किसी ने नहीं बताया। अरे कैसे लटका हुआ है नीचे आता हूँ, बोला इसको मुझे पकड़ा दे। जो गाड़ी की रोशनी आ रही है ना सामने, संभावना की कैब है, कैब से गई थी वो। हाँ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे बाप रे बाप, ले आई तो ले आ, गाड़ी भी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, इधर आ जाओ। तो जी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगी अपना जो भी है सामान, तो अब वो वक्त आ गया है क्योंकि मैं लेट हो गई आने में, और ये देखो डॉक्टर ने टेपिंग वेपिंग सब करके दी थी मुझे, ये देखो टेपिंग वगैरह सब करके दी है, आज उसमें बहुत टाइम लग गया, तो आज ही कर दूं क्या? कर दूं ना, कर देती हूं, अच्छा नहीं लगता ना, सब लोग फिर बोलेंगे कि यार करते नहीं हो, कहते हो करते नहीं हो। तो जी मैं निकालने जा रही हूँ, काफी हैवी है भाई। ये रहा कंप्लीट लॉन्ग एयर रैप। तो जी ये ऐसी पैकिंग में आता है, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ मैं, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग ड्यू था। यस, तो ये देख लो जी, ये ऐसा डब्बा दिखता है, ये खुला, ये बॉक्स कुछ इस तरह से। आपको बता दूं सबसे पहले तो इसकी जो पैकेजिंग है ना वही बहुत कमाल की है, बहुत प्यारा वेलवेट टच है, और ना पैकिंग मेरे को तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ की पैकिंग बहुत खूबसूरत हो। ये कुछ स्पॉन्ज सा है, इसको हम निकाल देंगे और मैं अब आपको दिखाऊंगी दिखता कैसे है। सो ये रहा इसके, ये 3 है, ये सेटिंग्स जैसे जैसे कर रही हो, अब वो तो मैं नहीं आपको करके बताऊंगी लेकिन मैं सीख के जरूर आई हूँ कि इसकी सेटिंग्स कैसे कैसे होंगी। इसके ऊपर सारी अटैचमेंट लग सकती है, लाइक ये ड्रायर की अटैचमेंट है, ये आप देख सकते हो, तो इसको मैं ये ड्रायर
की अटैचमेंट हो गई. सेकेंड अटैचमेंट जो इसकी है वो एक इस ब्रश की है. दिस इज हाउ इट लुक्स. तो एक ब्रश ये हो गया, ठीक है. इसका एक दूसरा ब्रश भी है आई गेस, वो मेरे जैसे कुछ ज्यादा जिनके बाल कर्ली हैं उनको स्ट्रेट करने के लिए है. तो ये उसकी इसकी दूसरी अटैचमेंट ये रही. ये तो मतलब ऐवे ही रोल के लिए है, मतलब आपको थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए बालों में. ये मेरे काम आएगी ना, ये तुम्हारे काम आएगी. हाँ, तीसरे अटैचमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अटैचमेंट जिसके लिए ये लिया गया है. एक्चुअली मैंने नॉर्मली जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, मैंने देखा कि मेरे बाल एक दो दिन के बाद ना भनखाड़ हो जाते हैं, क्योंकि मेरे कर्ली बाल है बेसिकली. तो कर्ली बालों के लिए ना ये दो अटैचमेंट दी हुई है, जो कि मेरे बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था. ये एक बड़ी वाली, बट अगर आपको लॉन्ग हेयर है जैसे मेरे, उसके लिए भी है, और ये भी लॉन्ग हेयर के लिए है, लेकिन ये थोड़े से पतली वाले जो छोटे छोटे कर्ल्स बनाने हो ना, ये उसके लिए है. तो ये अब मैं ट्राई करूंगी, और जिस दिन ट्राई करूंगी तो आपको करके बताऊंगी. अभी तो मैंने सिर्फ वहां पे ही दुकान पे ही ट्राई करके देखा था. आई थिंक एक कोम भी है साथ में जो आपको मिलेगा. वो कहाँ है कोम, ये है वो. ये देख लो, ये अटैचमेंट आप देखते जाओ. जब मैं यूज करूंगी तब मैं आपको एक्चुअली बता पाऊंगी कि ये मेरे को कौन सी चीज किस किस काम आ रही है. वैसे तो उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक भी मैंने इसका डेमो लिया नहीं है. मैंने डेमो वहां पे ले लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि एक और डेमो की मुझे जरूरत है. लेकिन धीरे धीरे करके भी चीजें समझ में आएंगी. सबसे अच्छी पता क्या चीज है इसकी, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ जो सबसे अच्छी मुझे लगी, वो ये है कि अगर आपने जैसे ये लगा लिया ना इस पे, और आप बालों की कोई भी सेटिंग कर रहे हो, इधर से ही ना आपका मतलब ये देखो एरो लगे हुए हैं, तो इसी में आपको आउट कर्ल्स या फिर इन कर्ल्स करने हैं, बाहर करना है या अंदर करना है कर्ल्स में, या आप इधर से ही कर सकते हो. अटैचमेंट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है. ये रहा मेरा एयर रैप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सबसे अच्छा मुझे इसका कलर लगा है. अब देखते हैं भैया ये मेरा कितना इस्तेमाल में आता है, एंड आई एम श्योर ये इस्तेमाल में आएगा. रोज तो नहीं करके बैठ जाऊंगी कि मैं रोज ही करके बैठ जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी इंपॉर्टेंट अगर मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसमें तो ये काम आ जाएगा. क्योंकि हर बार मैं कहां बाल बनवाती फिरूं, एटलीस्ट खुद ही घर पे कुछ कर लूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको भी मैं इसका रिव्यू बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा, ठीक है. तो जी दोस्तों, इस अनबॉक्सिंग के साथ पूरा हुआ मेरी बेबी का बर्थडे गिफ्ट भी, जो बर्थडे आने वाला है उसका. क्या हुआ, ठीक है? मैं इससे भी खुश हूँ, मैं हर एक चीज से खुश हूँ बेबी. तुम मेरे को ये नहीं भी लेके देते तो भी मैं खुश थी. तो ठीक है, ये वापस दे दो, फिर बर्थडे गिफ्ट कुछ और देते हैं. ये वापस कर दो. है बर्थडे गिफ्ट ही दे रहे, ये है ना बर्थडे गिफ्ट, तो या तो ये वापस कर दो फिर. मैं मेरा बर्थडे गिफ्ट खुद ले सकती हूँ. अरे सुनो, तो ये तो मेरा तो वापस कर दो फिर, अपना ले लेना या दूसरा दिला दूंगा. ये वापस करना पड़ेगा ना फिर भाई, बजट होता है ना, पॉकेट मनी. हेलो हेलो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट.